हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो सब लोग। मैं हूं राजा फ्रॉम ग्रेट लर्निंग पॉइंट, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे एफ शार्प मेजर स्केल कैसे ग्रेट में प्ले होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले एक बात और गाइस, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप चेक कर सकते हो मेरा चैनल पे हर एक दो दिन में नया नया लेसन आता रहता है। तो जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो उसके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करना, ताकि आपसे हमारा कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। एफ शार्प मेजर स्केल प्ले करने के लिए हम लोगों को जो करना पड़ेगा, देख लो, सिक्स स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट प्ले करना है सेकेंड फिंगर से, सिक्स स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट प्ले करना है फोर्थ फिंगर से, फिफ्थ स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट प्ले करना है फर्स्ट फिंगर से, फिफ्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट प्ले करना है सेकेंड फिंगर से, फिफ्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट प्ले करना है फोर्थ फिंगर से, फोर्थ स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट प्ले करना है फर्स्ट फिंगर से, फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट प्ले करना है थर्ड फिंगर से, फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट प्ले करना है फोर्थ फिंगर से। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको फिंगर भी बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप जब भी कोई भी स्केल प्ले करते हो तो फिंगर बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने जिस फिंगर से जो फ्रेट एंड जो स्ट्रिंग प्ले करने के लिए आप लोगों को बताया है, आप सेम उसी फिंगर से उसी स्ट्रिंग एंड उसी फ्रेट को प्ले करना दोस्तों, ना कि आपका कंफर्टेबल के हिसाब से आप कोई भी फिंगर से आप कोई भी स्ट्रिंग प्ले कर रहे हो, ऐसा नहीं। इसलिए मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा पकड़ के बता दिया हूँ। ठीक है, तो और एक बार स्लोली देख लेते हैं। ठीक है, और हम लोग जब भी कोई भी स्केल प्ले कर रहे हैं उसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में प्ले करना है, और हम लोग को राइट हैंड जो है राइट हैंड में ऑलवेज अल्टरनेट पिकिंग होना चाहिए, यानी एक स्ट्रोक अगर आप डाउन करते हो तो दूसरा स्ट्रोक आपका अप होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमेशा मेंटेन करते रहना है, लाइक एक स्ट्रोक डाउन किया दूसरा स्ट्रोक अप करेंगे। ठीक है, ऐसे फिर से डाउन करेंगे फिर से अप करेंगे, तो ऐसे मेंटेन करते रहना है ऑल्टरनेट पिकिंग। तो एक बार देख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अभी आप एकदम धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए दोस्तों। ठीक है, ग्रेजुअली इसका स्पीड इंक्रीज करते रहना है आपको, अभी एकदम स्लोली प्रैक्टिस कीजिए। तो यही था दोस्तों पूरा लेसन, उम्मीद करते हैं वीडियो लेसन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आता है प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड के साथ, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करना, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो लेसन अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए और आपसे हमारा कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, घर में रहो, स्वस्थ रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन पे। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद ग्रेट लर्निंग पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।